हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल देखकर समझ चुके हैं, आज मैं बनाने वाली हूँ 0% ऑयल, यानी मतलब विदाउट ऑयल के ही खाना बनाने वाली हूँ, आलू प्याज टमाटर की सब्जी। इसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और मैंने इसे गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर। और एक मीडियम साइज़ का प्याज कट कर लिया है, उस पर एक हरी मिर्च और 4-5 कलियाँ लहसुन की अच्छे से कूट ली है। और पैन मेरा गर्म हो चुका था तो मैंने इसमें रोस्ट करने के लिए मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, तो वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें करूंगी प्याज। और तो गाइस, आप लोगों को ऐसे ही प्याज को इसमें भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, तेल से ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ये नॉर्मल ही मैंने रोस्ट करा है और मैंने अभी तक कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अब जो मेन है इसमें वाटर, तो मैंने ले लिया एक ग्लास वाटर। तो एकदम ही डायरेक्टली आपको इसे वाटर मिक्स नहीं करना है, तो पहले आपको गोल्डन ब्राउन होने देना है इसे और हल्के चलाते ही रहना है। ये नहीं कि मतलब प्याज डाल दिया तो रहने दो, बट उसे मतलब आप हिलाते रहिए, फिर देख सकते हैं किस तरीके से आपको वाटर ऐड करना है। जैसे फिंगर्स में ले लो और ऐसे छींटे मार मार के, जैसे वो लगे नहीं नीचे पे, ठीक है? तो ऐसे ही लेना है। और आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, तेल में सबसे ज़्यादा फैट होता है और जो ट्राइग्लिसराइड, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है ऑयल से। तो अब मैं आप लोगों को हेल्दी वे में खाना बनाना सिखा रही हूँ। मुझे भी पहले लगा था कि यार शायद ही होता होगा बिना ऑयल के खाना, बट नहीं, ऐसा होता है। मैंने ट्राई किया है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने और मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले में आप नॉर्मल में जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, और इसमें नमक भी आपको ऐड करना है। और इसमें आप पानी डाल दीजिए थोड़ा ही, जिससे कि ये मसाला अच्छे से भुन जाए और उससे कच्चे कच्चे से स्मेल ना आए, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें वेजेज ऐड कर लूँगी, आलू मटर टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छे से फ्राई होने दीजिए इसे। और इसकी खुशबू बहुत ही यमी है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग ऑयल के साथ खाना बनाते वैसे ही है। और देख सकते हैं दिखने में भी बहुत यमी सा लग रहा है। और इसे आप मतलब ऐसे ढक के थोड़ी देर से फ्राई कर दीजिए। फिर तो अब मैं इसमें एक ग्लास वाटर ऐड कर लूँगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 से 4 सीटीज पे आने दीजिए और पक के बिल्कुल रेडी हो जाता है। ऑयल फ्री खाना बहुत ही यम्मी भी होता है और हेल्दी भी होता है, तो आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मुझे भी फर्स्ट टाइम लगा था कि शायद बिना ऑयल के खाना बनाना बहुत ही टफ होगा, बट नहीं, इसका टेस्ट सेम वैसे ही है और हेल्दी है, तो बिल्कुल और भी खाने में टेस्टी लग रहा था। तो ऑयल फ्री थाली बिल्कुल रेडी है, जिसमें मैंने लिया है लहसुन का अचार, सैलड्स और रोटी सब्जी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।